जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। फैंस को जवान का यह डायलॉग सुनकर लगता है कि शाहरुख खान ने सनी देओल पर तंज कसा है, जिनके साथ किंग खान ने 30 साल पहले रिलीज हुई हिट फिल्म डर में काम किया था। फिल्म डर में विलेन होने के बावजूद शाहरुख खान को दर्शकों ने सनी देओल से ज्यादा पसंद किया था। की फोटोज और वीडियोज के साथ यह डायलॉग लिखकर फैंस पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग इशारा कर रहे हैं कि शाहरुख का यह धांसू डायलॉग डर फिल्म के को स्टार सनी देओल पर एक कटाक्ष है, जिसमें सनी देओल ने हीरो का रोल निभाया था जबकि शाहरुख खान विलेन बने थे। दोस्तों, आपको बता दे, इन दिनों गदर 2 से चर्चा में बने हुए सनी पाजी के पंगे न केवल शाहरुख बल्कि बिग बी से भी है। साल 1983 में फिल्म बेताब सनी देओल की पहली फिल्म थी। इस फिल्म से सनी स्टार बनकर उभरे थे, जबकि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी। यह फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई थी। सनी को बॉलीवुड पर राज करते हुए 40 साल हो चुके हैं, वहीं अमिताभ को 54 साल। भले ही सनी ने अमिताभ से 14 साल बाद फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वह अमिताभ बच्चन सहित अन्य सितारों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बनकर निकले। बता दें कि करियर के शुरुआती दिनों में अमिताभ और सनी में काफी मेलजोल था। इसका सबसे बड़ा कारण सनी के पिता धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच अच्छी दोस्ती का होना रहा है। हालांकि जब धीरे धीरे सनी अपना खुद का स्टारडम बनाने लगे, तो कई दिग्गज एक्टर उनसे इनसिक्योर फील करने लगे। उनमें से एक अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। कहा जाता है कि भले अमिताभ ने सनी को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, लेकिन वह अंदर अंदर थोड़े नर्वस भी होने लगे थे। उनकी ये फीलिंग फिल्म इंसानियत के शूटिंग सेट पर ही दिखने लगी थी। गौरतलब है कि फिल्म इंसानियत आज से करीब 29 साल पहले साल 1994 में रिलीज हुई थी। ये बॉलीवुड की पहली और आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ और सनी को एक साथ देखा गया था। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा सफल नहीं हो सकी, लेकिन सभी ने सनी देओल की एक्टिंग को दिल से पसंद किया था। इस फिल्म के बाद फिर कभी सनी अमिताभ को किसी बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बाद सनी और अमिताभ के बीच काफी गलत फहमियों ने जन्म ले लिया था। बताया जाता है कि जहां अमिताभ को सनी उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में दिखने लगे, वहीं सनी देओल को ये लगने का कि बॉलीवुड में सुपरस्टार की ज्यादा डिमांड है और न्यू कमर के साथ नाइंसाफी की जाती है। बताया तो ये भी जाता है कि भले ही फिल्म इंसानियत में अमिताभ का बेहद छोटा रोल था, लेकिन बाद में उनके रोल को बढ़ा दिया गया, जो सनी को सही नहीं लगा। वहीं फिल्म के पोस्टर पर सनी को साइडलाइन कर अमिताभ को ज्यादा फोकस किया, जिससे सनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि सनी ने इस बारे में किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन वह धीरे धीरे अमिताभ से दूरी बनाने लगे।